नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ये अर्पित नमस्ते बोलो। नमस्ते। ये सुबह का 10:30 हो रहा दोस्तों, और देखो यहाँ कितना तेज़ धुंध, देखो धुंध कैसे पड़ रहा है यहाँ पर। और मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी और इसके साथ चावल की रोटी बनाऊंगी पतली। खाने में बहुत स्वाद लगता है सर्दियों में, आप लोग ज़रूर एक बार बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। और नाश्ता हमने कर लिया, ये लंच बना रही हूँ मैं, दोपहर का खाना है ये लंच। और आप लोग वीडियो में बने रहो, देखो मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, आप लोग को सब दिखाऊँगी दोस्तों। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो का आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो मेरा पूरा देखो। ये देखो इतना धुंध पड़ रहा और ठंड बहुत ज़्यादा है। अब महक गुस्सा होके अंदर है, उन्हें चीज़ नहीं अभी मिला इसलिए गुस्सा हो रखे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं सब्ज़ी। दोस्तों मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही है, देखो गोभी टमाटर इधर मसाला मिक्स करके, इधर मैंने लहसुन सब अदरक उदरक सब डाल रखा, छौंक लगाने जा रही हूँ। अभी हो गया, इसमें गोभी डालूँगी। ये गोभी मैंने डाल दिया, भून रही हूँ गोभी डाल के। और इधर महक खड़ी है, हाय करो महक, महक गुस्सा है। और सहारनपुर अभी भी धूप नहीं निकला है, देखो धुंध इतना तेज़ पड़ रहा है, देखो इतना तेज़। और देखो हर जगह आग जला जला के बैठे हैं, वहाँ भी देखो आग जला रखे हैं, यहाँ भी देखो आग जला के सेक रहे हैं, हर जगह आग जला के देखो, यहाँ भी आग जला रखे हैं, वहाँ हर जगह, वहाँ भी देखो हर जगह आग जला जला के सेक रहे हैं। और ठंड इतना काफ़ी पड़ रहा है यहाँ सहारनपुर बहुत ज़्यादा। और मैंने नाश्ता भी लिया, चूल्हे पर मैंने सब्ज़ी बना रही, इसके साथ बनाऊँगी चावल की रोटी पतली, बना के आप लोग को दिखाती हूँ। चावल की रोटी और गोभी की सब्ज़ी ठंड में खाने में बहुत अच्छा लगता है। और गोभी देखो दोस्तों हल्का हल्का भून गया है, अब इसमें मैं डालूँगी आलू जो काट के रख रखा। अब बनाऊँगी चटपटा से सब्ज़ी, फिर स्वाद ले लेके खाएंगे दोस्तों सर्दी में। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आपके यहाँ सर्दी पड़ रही कि नहीं, ठंड पड़ रही कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज है 31 तारीख, कल हमारा पहला साल है। ऐसे मैं कवर कर दूंगी दोस्तों, देख लो कितना धुंध, हवा भी चालू हो गया है। दोस्तों मैंने टमाटर काट लिया है, देखो टमाटर काट लिया। इधर मैंने मसाला देखो मिक्स, इसमें गरम मसाला, धनिया और हल्दी सारा मिक्स मसाला मैंने इसमें घोड़ के और देखो रख रखा, ये देखो भिगो के रख दिया। इधर धनिया पत्ता, ये देखो धनिया पत्ता मैंने साफ़ करके धुल के रख दिया, अभी काटा नहीं है। इधर मैंने सब्जी मैंने छौंक रखा, ये देखो, ये देखो दोस्तों सब्ज़ी मेरी भून गई है, इसमें मसाला गिरूँगी। मसाला गिर दिया इसे मैंने, मसाले के साथ खूब अच्छे से मिला दूँगी इसे। और 2 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी मैं, अच्छा मसाला भून जाए दोस्तों। और इधर देखो महक, अर्पित लेके आए हैं महक से, अंदर से पूजा के गुस्सा होकर सो रही थी, इनका बाल देखो, चलो ठीक देखो मेरे पास बाल, गुस्सा हो रखी है। अर्पित मना रहे हैं अपने बहन को, देखो महक लगा देखो कैसे चूटी काट रही हैं। अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक चीज़ नहीं पा जाएंगे दोस्त, तब तक कुछ नहीं बोलने की, वो जब चीज़ पा जाएंगे तभी कुछ बोलेंगे।
मैंने चूल्हा जलाया, मैंने कहा चूल्हे पे खाना खाना भी पानी भी गर्म किए तो मेरे पति नहा रहे हैं, और मैंने कहा चूल्हे पे खाना बना लो, अपना सेकती भी रहूँगी और खाना भी बनाते रहेंगे दोस्तों। से दो मिनट हो गया दोस्तों, हम इसे दोबारा से खोल के चला देती हूँ। ये देखो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। ये टमाटर मेरा गल गया, अब इसे चला दूँगी मैं। ये देखो अब इसे ढक दूंगी दोस्तों मैं, ये ढक दिया मैंने। ये देखो दोस्तों अब इसमें डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। दोस्तों नमक मैंने डाल दिया, देखो ऐसे चला दूंगी, ऐसे पानी बिल्कुल नहीं गेरूंगी, ऐसे ऐसे हटाऊंगी, देखो पानी नहीं गेरूंगी इसे दोस्तों। अब इसे ढक दूंगी, और आँच मैंने एकदम बिल्कुल देखो सिम पे कर दिया है, ज़्यादा ज़्यादा जल रहा है, उसके बाद धीमे धीमे पकता रहेगा, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों चावल काटा, चावल काटा, ये मैं पहले पानी गुनगुना कर रखा, ये देखो इधर आटा। अब इसे मलूंगी, आप लोग को दिखाती हूँ मल के मैं, पानी डालूंगी इसमें, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही डालूंगी, इतना पानी डालूंगी, फिर इसे मलूंगी, फिर आप लोग को मल के दिखाती हूँ मैं। ये देखो दोस्तों मैंने आटा मल दिया, बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा होता ना ऐसे बिल्कुल, इसको मैं पतली रोटी बना के आप लोग को दिखाती हूँ। इधर मेरा सब्जी देख लेती हूँ, अपनी सब्जी ये देखो दोस्तों सब्जी, मेरा सब्जी भी पक गया है, मैं चेक कर लेती हूँ, ये पक गया, सब्जी भी मेरा तैयार हो गया है। ये देखो अब पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, बस टमाटर दो टमाटर में डाली थी, और मसाले में भून के बिल्कुल देखो। ये देखो दोस्तों कलर कितना अच्छा आया है, देख लो दोस्तों, अय्या वाह। ये देखो दोस्तों सबसे देखने में अच्छा लग रहा ना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देख और इधर देखो महक आ गई हैं, नमस्ते बोलो, आ गई हैं, चीज उज खा ली है दोस्तों ये। अब मैं सब्जी फटाफट उतारती हूँ दोस्तों, फिर तावा रखती हूँ, फिर चावल की रोटी बनाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। महक को खाना है ना, अच्छा जी चलो दोस्तों मैं सब्जी उतार लूँ, फिर फटाफट मैं तावा रखूँ, यहाँ उतार के रख लूँ सब्जी, और फट धन फिर मैंने तावा रख दिया दोस्तों, लकड़ी को अंदर डालूँ, आप लोग को रोटी बना। इधर देखो महक आ गई, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी, आ गई हैं, सॉरी दोस्तों मैंने भूल गई, हरी धनिया मैंने डाला ही नहीं, काट के रख रखा था मैंने डाला नहीं। आप कहते होंगे कि रोज़ रोज चावल की रोटी ही दिखाती हैं, तो दोस्तों सर्दियों में ही खाया जावे चावल की रोटी, गर्मियों में नहीं खाया जाता। और मैंने दोस्तों ये धनिया के पत्ते भी डाल दिया इसमें, इसे ढक देती हूँ, सर्दे सर्दे ही खा लो चावल की रोटी, गर्मियों में नहीं खाया जाता। अब फिर आप लोग को रोटी बना लो, फिर दिखा। ये दोस्तों मैंने देखो इतना से ये लोई, गेहूं का आटा जितना गेहूं को लोई लेती हूँ उतना देखो गेहूं का लोई, और इसमें चावल का सूखा आटा लगाऊंगी, फिर इसे बेलूंगी, बेल का आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने बेल लिया बिल्कुल पतली, ये देखो जैसे गेहूँ का आटे का रोटी बनता है ऐसे बिल्कुल पतली बेल लिया। अब इसे मैं सेक के फिर दिखाती हूँ आप लोग को। अब दोस्तों ये तावा गर्म हो गया, मैं तावे पे रोटी डालूँगी उठा के, देखो मैंने गेर दिया पूरा, दिखाती हूँ। देखो दोस्तों एक तरफ सेक गई थी तो मैंने पलट दिया इसे, अभी एक तरफ सिक रही इस तरफ,
और यहाँ देखो बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है दोस्तों। अंधेरा से देखो अंधेरा एकदम, जैसे हल्की हल्की बारिश नहीं होती ऐसे फुहारे की तरह पड़। और इधर देखो अर्पित नहा के यहाँ अभी गर्म पानी से, इनके पापा भी नहाए तब कह रहे मैं भी नहाऊँगा, ये भी नहा के आ गए हैं, ठहरने नहीं लग रहा अर्पित। इधर महक को देख ले तो नहाई वहाई नहीं, बस मंजन कर रखा। ये देखो ऐसे बैठ के कैसे रोटी बना रहे हैं अपना छोटा से। ये देखो दोस्तों एक तरफ से गया है, मैं इस तरफ सेकूंगी इसे। ये फूलता भी है दोस्तों, फूला नहीं फूलता भी है। आज हमसे गेहूँ काटा फूलता है ऐसे भी फूलता है। अब बिल्कुल पतला मैंने बना रखा दोस्तों, और इसे अच्छे से सेक लूँ। ये देखो अच्छे से सिक गया दोस्तों, इधर भी दोनों दोनों तरफ से भी सिक गया। गोभी की सब्जी और चावल की रोटी, आ जाओ सर्दी में आप लोग भी खा लो दोस्तों गरम गरम। ये देखो अर्पित जा रहे हैं खाने, अर्पित टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना, चेक के इसे। इधर महक, महक नहीं खाना है, खाना नहीं है, महक को भी खाना है दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी बनी है गोभी की सब्जी और चावल की रोटी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। देख के मुँह में पानी आ रहा ना दोस्तों, किसके किसके मुँह में पानी आ रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। महक तो हंस रही है, महक के मुँह में पानी आ रहा दोस्तों, महक के मुँह में पानी आ रहा, महक के मुँह में नहीं आ रहा पानी। आप लोग कमेंट करके बताना किसके मुँह में पानी आ रहा दोस्तों। ये देखो अभी बिल्कुल गर्म है, अभी बिल्कुल गर्म है दोस्तों। कह नहीं भाई के मुँह में पानी आ रहा दोस्तों। देखो अर्पित जो है रोटी था वो सेक रहे हैं, फूल की मेरी रोटी। ये देखो दोस्तों कैसे अर्पित, देखो देखो कैसे फूली हुई है, ये देखो डब्बे की तरह, देखो देखो। प्लीज दोस्तों आप जो नए हो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो मेरा पूरा वॉच करो, पूरा देखो वीडियो आप लोग दोस्तों। और जो गलती हो रही वीडियो में भी आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग बस खुश रहो दोस्तों। आप लोग की ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए, ना कोई दुख संकट कुछ ना आए, बस माता रानी सबको खुश रखें। और मिलती हूँ कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।